हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी मान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तों। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है जो काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था इस पे फ्लोटिंग लाने की। बहुत बार फेल हुआ, अराउंड 4 से 5 बार इस पे फ्लावरिंग हुई देन फ्लोटिंग नहीं हुई। वीडियो शूट करी, आधी अधूरी डिलीट करनी पड़ी, बट इस बार वीडियो शूट नहीं किया, जस्ट इस पे फ्लावरिंग आई और वेट कर रहा था कि इस बार देखो इस पे फ्लोटिंग रुकती है या नहीं रुकती है। तो ये है बारबाडोस चेरी, तो छोटे से पॉट में लगा हुआ है और मैं आपको इसका फ्रूट दिखाता हूँ। एक फ्रूट यहाँ पे है और एक फ्रूट दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आएगा। ऐसी करके अभी 5-6 फ्रूट मुझे दिख रहे हैं। खैर, काफी ज्यादा ग्रीनरी की वजह से इसके फ्रूट दिखते नहीं है जल्दी। फ्रूट भी ग्रीन होते हैं, इसके पत्ते भी ग्रीन होते हैं, इस वजह से फ्रूट अभी नजर नहीं आ रहे, बट 6 फ्रूट तो मैंने गिने थे। और इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है धीरे धीरे, इस तरह की इसमें फ्लावरिंग होती है। और टाइम टू टाइम देखें कितनी फ्लावरिंग, कितने और फ्रूट इसमें डेवलप हो जाते हैं और कैसे कैसे ये बिल्कुल ही चेरी जो कलर होता है डार्क रेड, उस तरह का इसमें जब कलर आ जाएगा तो फाइनल वीडियो आप लोगों के लिए लोड कर दूंगा। तो चलिए इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करिए मेरे साथ, बहुत जल्द मिलते हैं। सो दोस्तों, बारबाडोस चेरी मेरी रेड भी हो गई और चोरी भी हो गई। खैर, आप देख रहे हो इसका कलर जो आया है, और एक करो खैर कोई चिड़िया चुरा के खा गई, एक अंदर थी वो बच गई है। सो ये बारबाडोस चेरी जो प्लांट है इसकी चिड़िया भी इसको खा रही है। तो एक छोटा सा फ्रूट यहाँ पे भी लगा हुआ है एंड फ्लावरिंग अभी हो रही है इसमें, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़े बहुत फ्रूट और आएंगे। और नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट ईयर नहीं, अभी इसी जब फ्रूटिंग हो जाएगी तो इसको फिर से रिपोर्ट कर दूंगा एक बड़े पॉट में। मेरे ख्याल से छोटे पॉट में रहने की वजह से इसमें फ्रूटिंग ठीक से नहीं आ रही है। आप पूरा प्लांट एक साथ देख सकते हो, प्लांट काफी हेल्दी है बट फ्रूटिंग के लिए मेरे ख्याल से इनफ नहीं है इसकी, इस वजह से अभी एक बार एक फ्रूट इसका आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। आपको दिखाता हूँ चिड़िया इसको कैसे खा रही थी। देखो चिड़िया ये गिलहरी, एक तो पूरा खा गई और एक ये थोड़ा सा बचा हुआ है। वो जो फ्रूट गिरा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चीटियां भी इसको खा रही हैं, गिलहरी या कोई कोई चिड़िया खा के इसको गई थी। तो 3 फ्रूट जो है वो मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, बाकी के जो 2 फ्रूट हैं अभी, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये अभी जब रेड हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसको हार्वेस्ट कर लूंगा, क्योंकि चिड़िया तो बहुत आती रहती है यहाँ पे, वो छोड़ेंगी नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना, और कोई इसके बारे में कोई आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछना। ठीक है, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए। नमस्कार।